नमस्ते दोस्तों, टाइटल देखकर आप जान गए होंगे। आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के फील्ड में एक्सपर्ट आप कैसे बन सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, मैं कंप्यूटर के फील्ड में पिछले 18-19 साल से काम कर रहा हूँ एज ए हार्डवेयर इंजीनियर। तो मुझे नॉलेज है कि पार्ट क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ जो चीज मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूँ और आप भी कंप्यूटर के फील्ड में अपना फ्यूचर बना सके। देखिए, उसके पहले चैनल पर पहली बार आऊँ, उस पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, मैं कहूँगा प्लीज ये लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा आईडी जोगेंद्र ज्ञान, मुझे फॉलो करिए। कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई सवाल है पूछे, मैं प्रयास करता हूँ आपके सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं सेटिस्फाइड कर दूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, आपको बता दूंगा और कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ कैसे करें कंप्यूटर फील्ड में आप जो काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड में फ्यूचर बनाए। देखिए, जो हाई स्कूल किए हुए हैं, जो इंटर किए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के लिए तो आप इस फील्ड को चुन सकते हैं। बहुत महंगा कोर्स नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिस ही होता है कि जिसे प्रैक्टिस कर करके आप जो इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। देखिए, अगर मतलब मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल किया हुआ, आपने इंटर किया हुआ है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाकर कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स कर लीजिए, किसी कंप्यूटर दुकान पर कुछ दिन समय दे दीजिए, तो आप कंप्यूटर के फील्ड में मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के फील्ड में एक अच्छी खासी जानकारी रख सकते हैं। पहला चीज हो चुका है। फिर देखिए, दूसरा चीज होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियर मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए उसके लिए आपको 12th के अंदर साइंस चाहिए, ठीक है। 12th के अंदर आपको साइंस चाहिए मतलब पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए। आप जब साइंस लिए रहेंगे तो आप जो है बीटेक कर लीजिए, बीटेक करने बाद में सीएस लीजिए, कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लीजिए, वहां से जाकर के आप कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। बीटेक कर लीजिए, बीटेक करने बाद में आप जो है एमसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बीटेक करने बाद आप कर सकते हैं चाहेंगे तो। उसके बाद अगर आप इंटर किए हुए हैं तो आप बीए ना करके, आप बीकॉम ना करके आप बीसीए करिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 साल का कोर्स होता है। इग्नू और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थाएं हैं जहां से आप बीसीए कोर्स कर सकते हैं। बीसीए कोर्स करने के बाद में आप एमसीए कर लीजिए, फिर उसके बाद पीएचडी कर लीजिए, मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग सबका प्रोफॉर्मा होता है, जो आप सुनते होंगे कि आज जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर काम नहीं करते, वो क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना सॉफ्टवेयर, ये जो आप दिख रहा है विंडोज दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर है जिसे मैंने डेवलप नहीं किया, मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का हूँ। इसमें प्रॉब्लम कोई आया था, इसका हार्ड डिस्क खराब हो गया, इसका रैम खराब हो गया, इसका कैमरा काम नहीं कर रहा, उसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बना, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ, इसको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया हुआ है, उन्होंने जो है पढ़ाई किया होगा, बीटेक किया होगा, उन्होंने एमटेक किया होगा और उन्होंने जो है एमसीए किया होगा, मतलब उस फील्ड के अंदर सिखाया जाता है कि आप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करिए। देखा यह जाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है, लोगों को पैकेज 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये यहीं से ला करके वो बीटेक वाले लड़कों को जो अपने हायर कर लेती हैं, उनको जो है लंबा लंबा प्रोजेक्ट देती, वो ये सॉफ्टवेयर डेवलप काम करते हैं। लेकिन मैं मुद्दे की बात बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में एक्सपर्ट हूँ तो कंप्यूटर हार्डवेयर बता रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर ऐसा फील्ड है जहाँ पे रोज नई नई चीज आती रहती है। मैं भी सोचा हूँ कि मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया था, कंप्यूटर कोर्स करने बाद मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो चुका, नहीं, मैं भी रोज सीखता रहता हूँ, मुझे भी रोज सीखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब मैं कोर्स किया हुआ था उसमें Pentium 3 था, Pentium 4 था, बाद में जो है Core i3 आ गया, Core i5 आ गया, Core i7 आ गया, ऐसे करते करते आज नया चीज आ चुका है, तब मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन पाऊंगा, मुझे भी तो सर्च करना पड़ता है। मैं भी जाता हूँ आपके जैसे यूट्यूब के ऊपर, मैं भी जाता हूँ गूगल के ऊपर, ब्लॉगिंग पढ़ता हूँ लोगों का, कैसे ब्लॉगिंग किए हुए हैं, कैसे जो है कुछ स्क्रिप्ट डाले इंटरनेट के ऊपर, उस माध्यम से पेपर पढ़ता हूँ, दुकानदार से पूछता हूँ, सब मैं सीख पाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कंप्यूटर पर कोर्स कर लें तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, आपको दिन प्रतिदिन जो है रोज नया चीज़ सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड के अंदर बात हो गई है, अब बात आती है सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। देखिए, हार्डवेयर में अगर आपको काम करना है तो आपको जो है पार्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर में कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, लैपटॉप 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच में क्या होता है, Core i3 क्या होता है, Core i5 क्या होता है, Core i7, मतलब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, हार्ड डिस्क के अंदर कितने कैटेगरी आती हैं, HDD क्या होता है, SSD क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना पड़ेगा। जो इतने ये बने हुए हैं प्रोग्रामिंग, सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। जैसे आज आप जैसे पढ़ेंगे आप इंटर पास करने के बाद, मान लीजिए आप कोर्स करें, C++ हो गया, जावा हो गया, ओरेकल हो गया, .NET हो गया, ये सब एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जो है ये प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पे काम करके उन्होंने डिफाइन किया हुआ। ऐसे विंडोज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम Linux हो गया, एप्पल खुद का अपना iOS है, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट आपको बनना है तो आप एक दिन में कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, आपको रोज कंप्यूटर फील्ड में काम करना होगा, आपको धीरे धीरे करते 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 आप कंप्यूटर फील्ड में सीखेंगे, चाहे हार्डवेयर की बात हो जाए चाहे आपकी सॉफ्टवेयर की बात हो जाए, तो आपको समझना पड़ेगा। आज 17-18 से मैंने समय दिया हुआ है तो इसलिए कंप्यूटर फील्ड में मैं थोड़ा जानकारी रख रहा हूँ। देखिए जब कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स आप कर लेंगे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा तो आप जो है सेल्स में भी जा सकते हैं, आप जो है सर्विस में भी जा सकते हैं, और सेम इसी तरीके से जो है जो लोग बीटेक करते हैं एमटेक करते हैं, क्या मैंने बीटेक एमटेक नहीं किया लेकिन थोड़ी जानकारी मुझे होती है कि कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई करते हैं और उस क्षेत्र के अंदर वो एक्सपर्ट बनते हैं। तो अगर आपके मन में भी कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए तो आप कंप्यूटर साइंस से जो है सीएस लेकर के आप बीटेक कर लीजिए और फिर एमटेक करिए, फिर आपको या तो बीसीए करके या फिर एमसीए कर लीजिए, उस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करने के लिए बहुत टफ नहीं है, आप सिंपल कम पैसे कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करके और कंप्यूटर में जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज था कि मैं सोचा कि नहीं लोग बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर में कैसे भविष्य बना सकते हैं, तो इस तरह के कंप्यूटर के अंदर आप जो है काम करके दिन पे दिन आप सीख सकते हैं, अपना उसमें फ्यूचर आप जो है बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता आपके क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो शेयर करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक आप सबको नमस्ते दोस्तों।